और उधर गुमला जिले में लंबे समय बाद माओवादी नक्सलियों ने अपनी जोरदार उपस्थिति दर्ज करते हुए बीती देर रात कुरुमगढ़ थाना के लिए बन रहे भवन को विस्फोटक कर उड़ा दिया। बताते चले कि नक्सलियों ने अपने शीर्ष नेता और उनकी धर्मपत्नी की गिरफ्तारी के विरोध में 23 नवंबर से 25 नवंबर तक बंद बुलाया था और उसी के तहत बीती देर रात इस घटना को अंजाम दिया गया। वहीं जानकारी के बाद वहीं घटनास्थल पर माओवादियों ने एक पर्चा भी छोड़ा है, एक नोट भी छोड़ा है, जिसमें उन्होंने घटना की जिम्मेदारी भी खुद ली है। घटना के बाद जिले के एसपी समेत अन्य पदाधिकारी क्षेत्र के सघन छापेमारी करने में लगे हुए हैं। ये घटना दिनांक 25/11/2020 को रात्रि लगभग 12:15 बजे घटित हुई है, जिसमें हम लोग थाना में ही थे। यहाँ पुराने थाना जो हम लोग का सीआरपीएफ कैंप के साथ है, हम लोग को बहुत जोर का कहीं आईडी फटने का आवाज़ आया। हम लोग सतर्क होकर अपना पूरा कैंप में स्टैंड टू की कार्रवाई किए। फिर हम लोग को संदेह हुआ कि हम लोग के कुछ दूरी पे 7 किलोमीटर या 6 किलोमीटर पे जो बामदा पिकेट है, कहीं वहाँ तो कोई अटैक नहीं हुआ। तो नेटवर्क की कमी थी, लेकिन किसी तरह हम वहाँ सब नेटवर्क बामदा पिकेट में थोड़ा बहुत पकड़ता है, किसी तरह संपर्क हुआ। तो हम लोग वहाँ पूछताछ किए, वहाँ भी अलर्ट किए, वहाँ से कोई निगेटिव सूचना नहीं मिला, वहाँ सब ठीक ठाक था। वहाँ भी अलर्ट करके हमने वहाँ सभी जवान और पदाधिकारी को अलर्ट करके स्टैंड टू करवाई